कक्षा 8 विषय संस्कृत। बच्चों आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ 5 वृक्षाणाम वार्ता अर्थात पेड़ों की वार्तालाप। डॉक्टर कुमुद शर्मा ने इस पाठ में कत्वा और लिय प्रत्यय का प्रयोग किया है और इस पाठ में वृक्ष की आपस में बातचीत हो रही है और इस पाठ में पेड़ों का महत्व समझाया गया है और किस प्रकार समझाया गया है, चलिए आज पढ़िए। अधुना वयम सकलाः वनस्पतयः वन्य जीवाश्च अपि मानव व्यवहारैः त्रस्ताः। अब हम सभी वनस्पति और जंगली जीव मानव के व्यवहार से दुखी हैं। वयम मानव जीवनस्य आधारः स्मः। देखो बच्चों, मानव जीवनस्य यहाँ पर अस्य प्रत्यय है तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। हम मानव के जीवन के आधार हैं। पर्यावरणस्य संशोधने परम सहायकः स्मः। पर्यावरण को शुद्ध करने में हम बहुत सहायक हैं। अस्माकम् अभावे मानवानां जीवनम् संकटे भविष्यति। हमारे अभाव से मानव का जीवन संकट में होगा। भविष्यति, देखो यहाँ पर इष्यति प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और ये लिट लकार है। अहम् अश्वत् वृक्षः मानव जीवनाय दिवान अक्तम ओषजनम त्यजामि। मैं अश्वत्थ वृक्ष अर्थात पीपल का वृक्ष मानव के जीवन के लिए दिन रात ऑक्सीजन छोड़ता हूँ। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जीवनाय, यहाँ पर आय प्रत्यय है तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। मम त्वक औषधि रूपेण प्रयुज्यते। मेरी छाल औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। देखो बच्चों, यहाँ पर एन प्रत्यय है तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। को न जानाति मम अधः ध्यानेन बोधिस्त्वः बुद्धो अभवत्। कोई नहीं जानता कि मेरे नीचे ध्यान लगाने से बोधिस्तु भगवान बुद्ध हुए। अनेन कारणेन अहम् बोधि वृक्षः इति नामना अपि प्रसिद्धः अस्मि। इसी कारण से मैं बोधि वृक्ष के नाम से भी प्रसिद्ध हूँ। अब देखो यहाँ पर पीपल के वृक्ष की वार्तालाप हुई है, उसने अपने बारे में बताया है। अब देखिए आगे, अहम् नीम वृक्षः रक्त शोधकः रोगनाशकः च अस्मि। मैं नीम का वृक्ष रक्त को यानी के खून को शुद्ध करने में और रोग को यानी के बीमारी को नष्ट करता हूँ। मम त्वक पत्राणि शाकाः फलानि च सर्वाणि वस्तूनि उपयोगिनि सन्ति। मेरी छाल पत्ते शाखा और फल सभी वस्तु उपयोगी हैं। अहम् औषधि वृक्षः इति नामना प्रसिद्धः अस्मि। मैं औषधि वृक्ष यानी के दवाई वृक्ष के नाम से भी प्रसिद्ध हूँ। अहम् तुलसी पादपः अस्मि। मैं तुलसी का पौधा हूँ। मम महिमा सर्वत्र वर्तते। मेरी महिमा सभी चारों तरफ विद्यमान है। देशस्य गेहे गेहे मम पादपः आरोपयन्ते। देश के घर घर में मेरा पौधा लगाया जाता है। मया जनः ज्वरनाशिका रक्तशोधिका च क्षमताम प्राप्यन्ते। मुझसे लोगों का बुखार नष्ट करने और रक्त यानी कि खून को शुद्ध करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। वयम पर्यावरणस्य मालिन्य अपि निवारयामः। हम पर्यावरण की मलिनता को दूर करते हैं यानी कि पर्यावरण को हम शुद्ध करते हैं। देखो ये तुलसी के पौधे के बारे में बताया गया है। अब देखिए आगे, अहम् कदली वृक्षः द्वादश मास पर्यन्तम् फलम्
प्रदाये जनान उपकरोमि। मैं कदली वृक्ष यानी के केले का वृक्ष 12 महीने फल लोगों के उपकार के लिए देता हूँ। जनहा मम पकवानी अपकवानी वा फलानी खादंती। लोग मेरे कच्चे और पक्के दोनों प्रकार से फल खाते हैं। मम सेवनेन ते ग्लूकोज युक्तानी छठी ती शक्तिम पुष्टिम च प्राप्नुवंती। मेरे सेवन से ग्लूकोज युक्त और तुरंत शक्ति और बल प्राप्त करते हैं। अब देखो ये केले के बारे में था, अब आगे देखिए बिल वृक्षा। अहम बिल वृक्षा तू चिकित्सा शास्त्र अपि अति उपयोगी अस्मि। अहम बिल वृक्ष, बिल वृक्ष होता है बेल का वृक्ष। मैं बेल का वृक्ष तो चिकित्सा शास्त्र में भी उपयोगी हूँ। मम बीज पत्र फलानी उदार रोगान मधुमेह रोगान च दूरी कुर्वन्ती। मेरे बीज और पत्ते और फल से पेड़ पेट का रोग और मधुमेह रोग दूर करते हैं। प्राचीन काले जनहा अस्मान देव रूपम पूजयंती। प्राचीन काल में लोग हमें देव रूप के रूप में पूजते थे। परम अधुना मानवा आसमान छित्वा स्वजीवनम अपि संकटे पातयन्ति। परंतु अब लोग हमारे पेड़ों को नष्ट करते हैं और हमारे जीवन संकट में और अपने जीवन को भी संकट में डालते हैं। अधुना तु मानव व्यवहारयः विश्वस्य रचनायाः आधारभूतानि इमानि पंच तत्वानि अपि पीड़ितानि सन्ति। अब तो मैं मानव के व्यवहार से विश्व की रचना करने वाले आधारभूत इन पांच तत्वों अपि पीड़ितानि सन्ति, ये पांच तत्व भी पीड़ित हैं। यतो हि धरायाः खननात् वनानाम वृक्षाणाम च छेदनात् पर्यावरणस्य संतुलम विकृतम जातम तेन अनावृष्टिः अतिवृष्टिः भूकंपः भूस्खल आदाय उत्पाताः भवन्ति। धरती को खोदने और वन के वृक्ष को काटने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है, जिससे वर्षा ना होना यानी के सूखा पड़ना, अतिवृष्टि अधिक वर्षा होना यानी के बाढ़ आना, भूकंप आना और भूस्खलन होना, भूस्खलन मतलब जमीन का नीचे धसना, ये सारे उत्पात हो रहे हैं। देव अश्व तथ भवान सर्वेशाम पूज्याः अस्ति। हे देव अश्वतथ, अश्वतथ यानी के पीपल का वृक्ष, कि हे देव पीपल के वृक्ष आप सभी वृक्षों में पूज्य हैं। भवान एव किंचित उपायम वदतु, आप कोई उपाय बताइए। वदतु यहाँ पर देखिए बच्चों, ये तू प्रत्यय लगा हुआ है तो यहाँ पर लोट लकार का उपयोग किया गया है। वयम चिंतताहा इस्माहा, हम सभी चिंतित हैं। सर्वे मानवाः मिलित्वा प्रदूषण समस्याया पर्यावरणस्य रक्षणाय च उपायान विचारयेयुः वृक्षान रूपयेयुः वन्य जीवाश्च रक्षयेयुः तर्हि मानव जीवनम सुरक्षितम भविष्यति। सभी मानव मिलकर, अब देखिये मिलित्वा यहाँ पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है, देखो यहाँ पर त्वा लगा हुआ है। सभी मनुष्य मिलकर प्रदूषण समस्या और पर्यावरण की रक्षा के लिए विचार, उनके उपायों पर विचार करने चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए और जंगल के जीवों की रक्षा करनी चाहिए, तभी मानव का जीवन सुरक्षित
होगा। भविष्यति देखो यहाँ पर इष्यति है, तो यहाँ पर लिट लकार का प्रयोग किया गया है। अब देखो बच्चों, इस पाठ में पेड़ों का महत्व समझाया गया है। सभी प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं। कोई वृक्ष पूजा के रूप में प्रयोग किया जाता है, कुछ वृक्ष औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और कुछ वृक्ष से हमें शक्ति और बल प्राप्त होता है। अब देखो बच्चों, इस पाठ में आपको पहले तो इस पाठ को आप अर्थ के साथ अच्छी तरह से पढ़ोगे, फिर आपको इसमें से 10 वर्ड मीनिंग करने हैं, और जो कौन से वर्ड मीनिंग करने हैं वो आपको मैं टिक करके बता दूंगी, और ये प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में करने हैं। आपको अपनी कॉपी में वर्ड मीनिंग और प्रश्न उत्तर करने हैं बस। फिर ये जो बुक वर्क है इसकी मैं आपको PDF भेज दूंगी, आप ये अपनी बुक में भर लेना, कॉपी में मत करना, ठीक है बच्चों।